नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर स्प्लिट एसी लगने वाली है, तो उसका हम लोग वायरिंग करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं, स्प्लिट एसी में हम लोग कितने एमएम का तार डालते हैं। बहुत इलेक्ट्रीशियन भाई जानना चाहते हैं ना कि एसी के लिए 4 एमएम का तार जाएगी, 6 एमएम का, 2.5 एमएम का। दोस्तों हम यहाँ आपको बता देते हैं, जो हम लोग 1 टन की एसी या 1.5 हो या 2 हो, तीनों एसीओ के लिए हम लोग 2.5 एमएम का तार डालते हैं। 2.5 एमएम का तार डालते हैं, KEI कंपनी का तार है। एक हमारा न्यूट्रल है और एक हमारा फेज है, ठीक है। दो तार है क्योंकि ग्राहक के घर पे अर्थिंग का सिस्टम नहीं है, ग्राहक ने अर्थिंग नहीं बनाया हुआ है, तो हम लोग यहाँ न्यूट्रल फेज ही तार डालेंगे। एक हैवेल्स कंपनी का यहाँ पे बोर्ड है और इसको एसी बॉक्स बोलते हैं। इसका प्राइस जान लेंगे तो 650 रुपये का मार्केट मिलता है। ये एनजीबी 25 एमपीएस C25 की होती है और यहाँ पर 25 एमपीए का सॉकेट है, तो 25 एमपीए प्लग होता है, ठीक है। ये सिर्फ एसी के लिए यूज होता है, स्पेशल एसी के लिए यूज होता है। अगर आपकी विंडो एसी है तो भी इसमें यूज हो जाएगा, अगर आपकी स्प्लिट एसी है तो भी यहाँ पे यूज हो जाएगा। और यहाँ पर लोग काजू पिन लाए हैं पिन को दबाने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सभी को पहले तार को फैला लेते हैं, क्योंकि नीचे से तार हमको ले जाना है रूम तक ले जाना है, ठीक है, जहाँ पे हमारी एसी लगने वाली है, तो वहाँ पे हम लोग ले जाते हैं। देखिए एसी के लिए 2.5 एमएम का तार पर्याप्त होता है, कोई ज़रूरत नहीं है 4 एमएम का तार डालने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे जहाँ मेन सप्लाई है वहाँ से हम लोग तार को दौड़ाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ हमारा मीटर के पास ये हमारा न्यूट्रल फेस है, यहाँ सप्लाई को जोड़ देंगे, सीधा सप्लाई ऊपर ले जाएंगे, इसी तरह लेते लेते जाएंगे, ठीक है। ले जाके और हम लोग जहाँ पर एसी बॉक्स होगा उसका हम लोग वहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करना बिल्कुल ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो हम लोग यहाँ पर तार को दौड़ा लेते हैं और इसी के थ्रू मतलब यहाँ पर अंडरग्राउंड कर देंगे, थोड़ा सा अंडरग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एसी जाना रहा सेकंड फ्लोर का। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ से इस तरह ले जाएंगे और यहाँ पर देखिए दरवाजा है, क्योंकि ग्राहक ने मना किया है छेद करने के लिए ड्रिल मशीन से, तो हम लोग दरवाजे के पास हल्के से छेद कर दे रहे हैं और यहाँ से काजू पिन क्लिप मारते हुए लेके चले आ रहे हैं, ठीक है। एसी के लिए आप ये वाला तार भी यूज कर सकते हैं। एसी के लिए एक लीड वायर होता है जो न्यूट्रल फेस और अर्थिंग होता है, ठीक है। अगर ज्यादातर घरों में अर्थिंग नहीं रहता है, बहुत घरों में अर्थिंग रहता है, तो यहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं यहाँ अर्थिंग वायर नहीं है, इसीलिए हम लोग सिर्फ न्यूट्रल फेस से ही एसी चल जाएगा। मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता कि अर्थिंग ना रहे तो भी हमारा एसी अच्छे से काम करता है, अर्थिंग है और है तो और बेस्ट काम करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग तार को ला दिए हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ दो तार ला दिए हैं। दो तार लाने के बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पर 25 एम्पीयर की सॉकेट है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, यहाँ बाहर कर लिए हैं और ये बोर्ड को भी हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बोर्ड में आपको देखने को पड़ेगा सॉकेट मिलेगा, सॉकेट में 3 रहेगा और यहाँ एनसीबी मिलेगा, यहाँ लिखा ना हैवेल्स कंपनी का C25 एम्पियर। 25 मतलब सी मतलब होता है टाइप, एनसीबी की टाइप होती है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप, ठीक है। तो यहाँ सी टाइप का लगेगा, हमने यहाँ यहाँ कनेक्शन कर दिया है और न्यूट्रल फेस हमको कहाँ लगाना है, एनसीबी के इधर हमको फेस दे देना है और साइड वाले में हमको न्यूट्रल दे देना है, ठीक है, हमारा यही कनेक्शन है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसका कनेक्शन कर देते हैं, यहाँ पर हमको लगाना है। तो हमारे पर ड्रिल मशीन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर चाइना कील और यहाँ पर वार्थल लगा के बोर्ड को हम लोग जाम कर देते हैं और अच्छे से हम लोग यहाँ पे टाइट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे काम को कर दिए हैं, ठीक है, अब काम कर दिए हैं, चलते हैं, अब नीचे चलते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन था सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एनसीबी ऑन ऑफ करके देख ले रहे हैं, मतलब सही काम कर रहा है, लेकिन अभी नीचे हम लोग जोड़े नहीं हैं, हम लोग छत के नीचे आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं। ये दो तार को हमको कहाँ जोड़ना है, जहाँ से मीटर से मेन सप्लाई आई है फ्यूज में, फ्यूज के नीचे हमको लगा देना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रहेगा तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि एसी जो चलता है तो लोड लेके चलता है। तो हम लोग यहाँ फेस तार को कट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा ही तार कट करेंगे और यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल वायर को कट कर देते हैं। चलिए ठीक है, न्यूट्रल वायर को कट कर दिए, अब यहाँ पर फ्यूज में हम लोग लगा देंगे, एक में फेस लगा देंगे और एक में हम लोग न्यूट्रल लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद हम लोग ऊपर चलेंगे, एक बार टेस्ट करेंगे कि हमारा वहाँ पे सप्लाई पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ये चीज़ एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर फ्यूज को लगा देते हैं
और कनेक्शन को आपको बिल्कुल भी लूज नहीं रखना, हर कनेक्शन को टाइट रखना है, क्योंकि कनेक्शन टाइट रहेगा तो स्पार्किंग होने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। और इस 2.5 mm के वायर से आप विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, दोनों टाइप की एसी आप चला सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लोग 4 mm का तार लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 4 mm का तार जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ 2.5 mm का तार से चल जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इसको लगा दिए हैं, लगाने के बाद अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे टाइट कर देंगे और हम लोग यहाँ पे फ्यूज भी लगा दिए हैं। हम लोग यहाँ पे अच्छे से टाइट कर दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो गया है। न्यूट्रल भी न्यूट्रल में लगा दिए, लाल वाला हम लोग फेस सप्लाई में लगा दिए, ठीक है। हमारा यहाँ पे काम ओके हो गया, डन हो गया। अब हम लोग चलते हैं जहाँ पे एसी बॉक्स लगाए हैं, वहाँ पे एक बार चल के उसको हम लोग चेक कर देते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा, यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर आप वायरिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, हर तरीके से वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। हम लोग यहाँ छत पे आ गए हैं, ठीक है, हम लोग ऊपर आ गए हैं, अब यहाँ सप्लाई चालू करते देखते आया नहीं। हाँ देखिए, हमारा यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई आ गया है, अब जो प्लग है इसी प्लग में हमारा एसी का सप्लाई लग जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।